कीमती पौधों में से एक है फाइकस इलास्टिका यानी कि रबर प्लांट। अभी चल रहा है मॉनसून, तो इस समय हम पौधे की कटिंग बड़े आसानी से लगा सकते हैं। तो चलिए कटिंग जो है हम लगाएं। ये है देखिए रबर प्लांट मेरा छोटे से कंटेनर में लगा है, पत्तियां नीचे की तरफ झुक रही है। इसका मतलब क्या है कि पौधा पूरी तरीके से रूट बॉन्ड हो चुका है। देखिए इनकी जो जड़ें हैं ये ऊपर की तरफ आ रही है, वैसे भी जो है जैसे बनियान ट्री का होता है उसी की कैटेगरी में ये भी आते हैं पौधे। तो इनकी भी जड़ें कुछ इस तरीके से जो एरियल रूट जो होती है, तो हम चाहे तो इसको क्या है निकाल के थोड़े से बड़े गमले में जो है ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन मैंने सोचा है क्या है इनकी कटिंग जो है लगाई जाए। तो देखिए कटिंग जो है इनको हम लगा लेते हैं। कटिंग लगाने के लिए बात करें इनकी लेंथ की, कितने लंबे जो है होनी चाहिए कटिंग, तो कम से कम 7 से 8 इंच जो है लेंथ होनी चाहिए कटिंग लगाने के लिए। तो यहाँ से मैंने कट कर दिया है। देखिए अब कट करते क्या होगा कि इस जहाँ पे हम काटेंगे उसमें जो है दूध नुमा जो है निकलने लगेगा, तो उसको जो है हमने वॉश करना है। तो चलिए इस कटिंग को देखिए, इतनी बड़ी कटिंग है इसमें जो है 2 कटिंग जो है लग जाएगी। तो इनको 2 पार्ट में जो है हम कट कर लेते हैं। कट करने के बाद देखिए जो पत्तियां हैं यहाँ पे दिखाई दे रही हैं आपको, इन पत्तियों को भी जो है हटाना पड़ेगा। अब देखिए पत्तियों आप भी जो है अगर इनको मिट्टी में लगाएंगे तो इनमें भी जो है जड़ें आ जाती हैं। मैंने लास्ट ईयर ट्राई किया था, तकरीबन 3 महीने हो गए जो है जड़े आने में, लेकिन उसके बाद तो जो इनके जो स्टेम वगैरह है मतलब मान लीजिए यहाँ से जड़े तो आ जाएंगी लेकिन स्टेम न्यू पत्तियाँ कैसी रेडी होंगी वो हुआ नहीं। तो क्या है मैंने मतलब मेहनत गई बेकार, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ जड़े तो आ गई पत्तियों में लेकिन आगे का प्रोसेस नहीं हो पाया। अगर आपके साथ ऐसा हुआ हो या फिर आपने पौधा पत्तियों के थ्रू बना लिया हो तो कमेंट जरूर करें। तो जैसे मैंने बोला कि कट करने के बाद जो है दूध नुमा सा निकलता है लटक, इनको हमने सबसे पहले वॉश करना है कटिंग लगाने से पहले। अच्छे तरीके से कटिंग को हमने वॉश करना है। इसके बाद हम लेंगे फंजीसाइड। अगर आपके पास रूटिंग हार्मोन्स है तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो एलोवेरा जेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एलोवेरा जेल काफ़ी अच्छा जो है रूटिंग हार्मोन्स का काम करता है। लगाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं सैंडी स्वेल। इसमें जो है सैंड की मात्रा 40% है, बाकी नॉर्मल गार्डन सॉइल है जिनको क्या किया है मैंने अच्छी तरीके से छान लिया है तभी ये इतने बारीक दिख रहे हैं। अब हम मिट्टी को जो है दबा दबा के पॉट में फिल नहीं करेंगे, ऐसे ही मिट्टी फिल कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे मैं फंजीसाइड ले रही हूँ, रूटिंग हार्मोन्स का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। अगर आप इस तरीके से रूटिंग हार्मोन्स लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, लेकिन पानी देते समय आपको फंजीसाइड जो है मिला के पानी देना होगा। तो जैसे हमने क्या कहा कि जैसे मिट्टी जो है ऊपर से हम भर देंगे, इनको दबाएंगे नहीं, और किसी भी चीज़ से आप इनको जो है जितना आपने मिट्टी के अंदर कटिंग को रखना है यानी कि मिनिमम जो है 2 नोड एरिया तो मिट्टी के अंदर होनी ही चाहिए। मान लीजिए 1 नोड एरिया से रूटिंग नहीं हुई तो दूसरे तो ज़रूर होगी। तो इस तरीके से कटिंग को जो है हम सेट कर देंगे। अब हम दबाएंगे, अगर हमने पहले दबा दिया तो क्या होगा कि कटिंग जो है अच्छे तरीके से अंदर जा नहीं पाएगी और जो है अच्छे तरीके से सेट नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए जो मिट्टी फील करे हल्के हाथों से फील करे, उसके बाद जो है मिट्टी को अच्छे तरीके से दबा के जो है एयर पॉकेट जो है रिलीज कर दे। अब देखिए दूसरी कटिंग को जो मैं यहाँ पे लगा लेती हूँ, 2 कटिंग जो है लगा रही हूँ। अब ये भी 2 नोड एरिया जो है इसको मैं अंदर कर लेती हूँ। अगर हम बिना होल किए कटिंग को लगाते हैं तो इनके टिश्यू जो है डैमेज हो जाते हैं, जो सही तरीके से जो है रूटिंग हो नहीं पाती है। तो एक बार ही हम अच्छे तरीके से सेट कर देंगे, दोबारा ये कटिंग जो है हिलनी नहीं चाहिए। अब इसके बाद जो है हम पानी दे देंगे। तो चलिए मैं इनको जो है पानी देती हूँ, थोड़ा सा कटिंग हैवी है ना, थोड़ा हिल रहा है, तो अभी मैं सेट कर देती हूँ। और पानी हम बिल्कुल हल्के हाथों से देंगे, धीरे धीरे करके दे लेंगे। अब मैंने जो है जहाँ से काटा है मदर प्लांट को वहाँ पर हम ऐसे खुला नहीं छोड़ेंगे, हल्दी हो या फिर फंजीसाइड हो एक लेयर से जो है लगा देंगे ताकि फंगस वगैरह जो है ना रहे। अब ये जो जहाँ से काटा है मदर प्लांट भी जो है बुशी हो जाएगा, 2-3 ब्रांचेस तो जाहिर सी बात है इसमें आएगी, जहाँ से काटते हैं वहाँ से 2-3 ब्रांचेस तो आती ही आती हैं, ये नेचुरल है। अब हम कटिंग को ऐसी जगह पे रख देंगे जहाँ पे तो ना तो इसको तेज़ हवा मिले और जहाँ पे हम बार बार आए ना जाए। अगर जहाँ पे रख देंगे कि जहाँ पे हमें बार बार आना जाना हो तो टच होंगे तो ये जो हिलेगा, तो इसलिए देखिए मैं इसको जो है अंदर रख रही हूँ ताकि इनमें जो है मूवमेंट ना हो किसी भी प्रकार का। अगर कटिंग हिल गई एक बार तो जो है ये सक्सेस जो है नहीं हो पाएगी।
तो इस तरीके से मैंने बहुत सारे पौधे प्रोपोगेट किए हैं। चलिए मिलते हैं अब।